भाई वाह, मजा आ गया आपकी पार्टी में। थैंक यू। ये सब विक्रम ने किया है। अपनी प्यारी बेटी का जन्मदिन ये हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो क्या हुआ, अब बेटी को बाप नहीं बिगाड़ेगा तो भला कौन बिगाड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मीरा खुश क्यों नहीं लग रही? लगता है किसी ख्याल में डूबी हुई है। नहीं नहीं, वो शायद अपने तोहफे का इंतजार कर रही है। तोहफे का? जी क्यों, कोई खास तोहफा आ रहा क्या मीरा बिटिया के लिए? हाँ, इंटरनेट पे ऑर्डर दिया था, आ जाना चाहिए था, पर देखिए ना, ये कुरियर वाले अब तक नहीं आए। इसीलिए मैं कंप्यूटर के जरिए कोई भी सामान नहीं खरीदता, पता नहीं वक्त पे आए या नहीं, क्वालिटी अच्छी हो या नहीं। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, आप जाओ। अच्छा आप लोग बात कीजिए, और मैं जरा मीरा का दिल बहला। क्या हुआ बेटा, इतनी गुमसुम क्यों हो? अपने पापा को नहीं बताओगी? आपकी गुड़िया तो मैं हूँ, मगर मेरी गुड़िया कहाँ है? बेटा आ जाएगी गुड़िया, आज नहीं आई तो कल आ जाएगी। नहीं, मुझे आज ही चाहिए, मेरा बर्थडे आज है, कल नहीं। लो आ गई आपकी गुड़िया। अब खुश? हाँ, खोलो फटाफट। बिल्कुल खोलता हूँ, जल्दी खोलता हूँ। मेरी गुड़िया आ गई। अरे पर कुरियर वाला कहाँ चला गया? पता नहीं, जल्दी मामा से चला गया। कुरियर वाले को छोड़ो ना मॉम, गिफ्ट मिल गया ना। जल्दी देखो, यस जल्दी। ये वाओ, कितनी सुंदर है ना, देखो। ये क्या किया आपने, डॉल खराब कर दी? ये क्या है, इंसान की आंख? हालत कैसी है? सर हालत थोड़ी नाजुक है, गोली बिल्कुल सीने के पास लगी है। अच्छा। और सर बचने की उम्मीद भी कम लग रही है। ये पूर्वी कहाँ है? जब भी कोई सीआईडी ऑफिसर छुट्टी पर होता है तब उसे गोली चलाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, समझी? मैं क्या करती सर, मैं मजबूर थी, एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। इसके सीने में गोली चलाकर शरीर पर और भी कई गोली चला सकती थी तुम। मैं आपको कैसे समझाऊं सर? कोई समझाने की जरूरत नहीं है, और बचा भी क्या है समझाने के लिए, तुमने मुझसे झूठ बोला है, मुझसे। इन ऑफिसर्स को देखती हो, दोनों सीनियर ऑफिसर्स को, आज तक इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला मुझसे। 2 दिन नहीं हुए सीआईडी ज्वाइन करके, और आई एम एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड विद यू। नहीं सर, सर मैं हमेशा से सीआईडी ज्वाइन करना चाहती थी सर, मैं देश की सेवा करना चाहती थी, दोष को इंसाफ दिलाना चाहती थी, और अभी भी मैंने वही किया सर। मैं किसी औरत पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती, और ये आदमी, अगर मैं इसे गोली नहीं मारती तो ये अपनी पत्नी को जान से मार देता सर। सर ये आदमी नहीं, ये जानवर है सर। जानवर नहीं है ये, इंसान ही है इंसान। और तुम सिर्फ एक ऑफिसर हो, तुम्हें किसी को भी मौत की सजा देने का हक नहीं है, वो हक सिर्फ अदालत को है, समझी? अभिजीत सस्पेंशन ऑर्डर दे दो इसे। नहीं सर, सर। सर ऐसा मत कीजिए सर, सर मेरा करियर, मेरे सपने सब चकनाचूर हो जाएंगे सर, मैं क्या करूं? देखो पूर्वी, अब तो तुम बस यही दुआ करो कि आदमी बच जाए, क्योंकि अगर इसकी जान चली गई तो फिर तुम्हारा सीआईडी में रहना नामुमकिन है। सर, सर।
इसी में प्रतिमा क्या तो गुड़िया प्लास्टिक की है मगर आंखें इंसान की है। अभी ये देख के यकीन नहीं होता कि कोई ऐसी घिनौनी हरकत कर कैसे सकता है। कितना बुरा असर हुआ होगा बच्चों पर। बहुत मुश्किल से मैंने सुलाया है मीरा और सिमी को। बाकी सारे बच्चों को भी हमने वापस घर भेज दिया। समझ में नहीं आता सर, जरूरत क्या थी प्लास्टिक की गुड़िया के अंदर इंसान की आंखें लगाने की? सर ये आंखें किसी जानवर की भी हो सकती है ना? नहीं भी, देखकर तो नहीं लगता कि ये आंखें किसी जानवर की है, बल्कि किसी इंसान की लगती है। एक इंसान की आंखें किसी गुड़िया में लगाकर कोई क्यों बेच रहा है? आंखें सड़ने भी लगी है। ये डॉल कहां से खरीदी आपने? जी मैंने इसे खरीदा नहीं बल्कि मंगवाया था। कहां से? जी इंटरनेट से। एक साइट है www.unique.com, वहीं इस तरह के गुड़िया मिलते हैं। मतलब ये गुड़िया आपके घर में कोई कुरियर वाला लेके आया? जी। किस कंपनी का कुरियर है? I mean, रसीद वगैरह होगी ना आपके पास? डॉल जो है वो दरवाजे के बाहर रख के चला गया, मैंने उसे देखा नहीं। कमाल की बात, आप लोगों को ये नहीं मालूम कि कंपनी कौन सी है, कौन आदमी डॉल रख के बाहर गया ये भी नहीं मालूम। कितने बजे की बात है ये? जी ये तकरीबन 10 बजे। रात के 10 बजे? जी। बड़ी अजीब बात है अभिजीत, रात के 10 बजे कोई कुरियर वाला आता है और रिसीट पर बिना साइन लिए पार्सल छोड़ के जाता है। बड़ी गड़बड़ है इस बात में अभिजीत, बड़ी गड़बड़ है। सर इस वेबसाइट पर जाके देखते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन जो ऐसी गुड़िया बेच रहा है। हाँ विवेक, वेबसाइट पर जाकर तो देखेंगे ही, पहले ये पता लगाना चाहिए कि हरे आंख वाले किसी आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। इंसान की आंख और जानवर की आंख में फर्क होता है। कैसा फर्क सर? जानवर की आंखों की साइज और बनावट इंसान की आंखों की साइज और बनावट से अलग होती है। मगर जानवर की आंखें भी तो इंसान की आंखों जैसे ही दिखती है ना सर? सिर्फ दिखती है विवेक, होती नहीं। देखो इंसान सीधा देखता है और जानवर अक्सर चारों तरफ देखता है, इसीलिए जानवर की आंखें ज्यादा बाहर निकली होती है, ज्यादा बड़ी होती है। जैसे ये देखो, ये इंसान की आंख और जानवर की आंख में फर्क होता है। ये देखो इसका साइज देखो और इस इंसान की आंख का साइज देखो, और देखो इसकी ये जो मसल्स हैं ये भी डिफरेंट होती हैं इंसान की आंख की मसल्स। और बॉस मैंने इस आंख को अच्छी तरह से चेक किया है और ये पक्का है कि ये आंख किसी इंसान की है। डॉक्टर साहब ये आंखें इतने धीरे धीरे क्यों सड़ रही है? वो इसलिए दया कि इस आंख पर एक खास किस्म की फिल्म लगाई जिससे इसके सड़ने का प्रोसेस धीरे हो गया है। तो उस फिल्म की वजह से आंखें धीरे धीरे सड़ रही हैं। हाँ इसमें फॉर्मल्डिहाइड केमिकल भी लगा हुआ है जो आंखों को जल्दी सड़ने नहीं देता। लेकिन ये आंखें कब तक बची रहेंगी? जब ये केमिकल सूख जाएगा तो आंखें फिर से सड़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ ये बात तो है। वैसे अगर वो गुड़िया टूटती नहीं तो कम से कम ये आंख हफ्ता 10 दिन तो बराबर है। कोई पागल आदमी का काम नहीं है, भयानक मानसिक बीमारी का शिकार है, वरना कोई इंसान की आंखें निकालेगा ही क्यों? सिर्फ इंसान नहीं बॉस, जिंदा इंसान। क्या? हाँ बॉस, ये आंख जब निकाली गई वो इंसान जिंदा था। जिंदा इंसान की आंखें निकाली गई? ये देखो इस आंख के पीछे जो नर्व है इसमें देखो अभी भी खून जमा है। इसका मतलब साफ है जब ये आंख निकाली गई इस आंख में खून भरा था। बेचारे कितने तड़पे होंगे, कितने चीखे होंगे दर्द के मारे। और सर किसी इंसान की आंखें छोटी सी गुड़िया में कैसे? उस सर्जरी से, किसी अच्छे सर्जन ने इस आंख को सर्जरी से छोटा किया है उस गुड़िया की आंख के बराबर। और ये काम कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है, कोई अच्छा सर्जन या कोई अच्छा डॉक्टर। डॉक्टर या सर्जन सर, हो सकता है ये किसी आंख के डॉक्टर ने किया, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह से पता होता है आंखों को कैसे संभाल के रखना है। डॉक्टर सालों के कि आंखों से ये पता चल सकता है कि वो आदमी की है या औरत की? हाँ पता चल सकता है। देखो ये जो हमने ये जो नर्व देखी इसमें जो खून है इसका अगर डीएनए टेस्ट किया जाए तो पता चल सकता है कि आंख किसी औरत की है या मर्द की। और मैंने इस खून का डीएनए टेस्ट किया है, उससे पता चल गया है कि ये किसी लड़की की आंख है। लड़की की आंख है? पता नहीं वो बेचारी जिंदा भी है कि नहीं। तुम्हें याद है हमने एक एक्सपर्ट कंप्यूटर हैकर को बुलाया था जिसने अलीबाग वाले केस में हमारी मदद की थी? हाँ वो रॉडिन।
हाँ रोहन, शायद वो हमें बता दे कि ये गुड़िया बेचने वाली वेबसाइट कौन चलाता है और कहाँ से चलाई जाती है। खुल गया सर, uniquedollhouse.com। ये वही वेबसाइट है जहाँ से विक्रम जी ने अपनी बेटी के लिए वो गुड़िया मंगवाई थी। अच्छा, इसका कोई एड्रेस या फोन नंबर वगैरह है? नहीं सर, एड्रेस या फोन नंबर तो नहीं है, लेकिन एक ईमेल एड्रेस है सर, zerka99@freemail.com। ये वेबसाइट नकली लग रही है बस, ऊपर से दिखाने के लिए गुड़िया बेच रहे हैं पर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही लग रही है। हेलो सर। चलो भाई रॉडन, काम पे लग जा। तुम तो यार इंटरनेट के जंगल में कुछ भी ढूंढ सकते हो ना। जरा पता करो ये वेबसाइट कौन चला रहा है। अभी लीजिए सर। सर हाँ, निकल पता। सर मैं मिसिंग ब्यूरो से आ रहा हूँ सर। पिछले 10 दिनों में 5 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है सर। इनमें से किसी की आंखें हरे रंग की थी? हाँ सर, आलिया नाम की एक लड़की है सर, उसकी आंखें हरे रंग की हैं। हो सकता है ये लड़की आलिया ही हो सर। अच्छा ये बताओ कि ये आलिया करती क्या थी? मॉडल है सर, सोनिका मॉडलिंग एजेंसी वालों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी सर। सोनिका मॉडलिंग एजेंसी? सर उससे भी अजीब बात यह है कि उन लोगों ने आलिया के गायब होने की रिपोर्ट तो लिखवाई मगर 2 दिन पहले उन्होंने रिपोर्ट वापस ले ली सर। रिपोर्ट वापस ले ली? क्यों, वो लड़की वापस आ गई क्या? नहीं सर। तो फिर रिपोर्ट वापस क्यों नहीं? सर रोरन को कुछ पता चला है सर। क्या पता चला रोरन? सर इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस मिल गया है। वेरी गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। वेबसाइट चला कौन रहा है? कोई ईरा नाम की लड़की है, उसी का ही आईपी एड्रेस है। अच्छा ये बताओ कि इस वेबसाइट से विक्रम के अलावा और किस किस को गुड़िया बेची गई? 5 लोगों ने ऑर्डर दिया था पर गुड़िया पहुंची है नहीं ये कह नहीं सकते। ये वेबसाइट कब शुरू की गई थी? यही कोई 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले? ये कंप्यूटर कहाँ पर है, कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, वेबसाइट कुछ पता चल सकता? वो भी मिल जाएगा सर। मिल जाएगा? वेरी गुड। तो जब तक ये उस कंप्यूटर का पता लगाता है जहाँ से ये धांधलीबाजी चल रही है, तब तक हम लोग जरा सोनिका मॉडलिंग एजेंसी चलते हैं, पता करते हैं उन लोगों ने आलिया के गायब होने की रिपोर्ट वापस क्यों ली है। तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। क्लाइंट ने हमें साफ साफ कहा था कि उसे इस साइट के लिए लंबी मॉडल चाहिए और तुमने कौन सी मॉडल भेजी जिसकी हाइट सिर्फ 5 फीट है। आई एम सॉरी मैडम। सिर्फ सॉरी कहने से काम नहीं चलता है, पता नहीं इस क्लाइंट की शूटिंग कितनी देर तक रुकी रही। तो फिर आलिया को भेज दिया होता। आप कौन? आलिया के रिश्तेदार हैं? जिस जिसके साथ जब जब जुर्म होता है हम उनके रिश्तेदार बन जाते हैं। कमाल है, इतने सारे रिश्तेदार। हाँ, मुजरिम हमें प्यार से CID के नाम से बुलाते हैं। CID? जी सही फरमाया आपने, हमें पता चला था कि आलिया के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी आपने। जी हाँ। तो फिर वो रिपोर्ट वापस क्यों नहीं आई? उस दिन रैंप शो करते करते वो अचानक गायब हो गई थी, इसलिए हमने उसकी रिपोर्ट लिखवाई। पर 2 दिन बाद उसका फोन आया कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और अपने घर शिमला चली गई है, तो इसलिए हमने रिपोर्ट वापस ले ली। आलिया शिमला चली गई? हाँ सर, वो बोली कि मॉडलिंग नहीं करेगी और हमेशा हमेशा के लिए शिमला जा रही है। ये फोन उसने अपने मोबाइल से किया था? हाँ सर, इसी नंबर से फोन किया था और मैंने लाउड स्पीकर पर बात की थी, मैडम ने भी सुनी थी। जी हाँ। तो ये भी हो सकता है कि किसी और ने बात की हो आलिया की आवाज में। पर कोई और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हमें शक है कि शायद आलिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये क्या कह रहे हैं? तो ये शिमला का कोई एड्रेस और फोन नंबर है आलिया का? नहीं सर, हमने कभी भी उसका शिमला का एड्रेस नहीं लिया था। कोई मॉडल सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर क्यों चली जाएगी और वो भी बिना अपना शो पूरा किए हुए? इस बात से तो हम लोग भी हैरान है। उसका किसी के साथ झगड़ा वगैरह हुआ था क्या? नहीं तो। अच्छा गायब होने के पहले आखिरी बार वो किससे मिली थी? 1 मिनट सर। सर इस डायरी में मैं आलिया के सारे अपॉइंटमेंट्स लिख कर रखता। उसका आखिरी अपॉइंटमेंट सुविधा हॉस्पिटल में था, उसे शायद अपनी आंखें चेकअप करवानी थी और किसी आई सर्जन के साथ उसका अपॉइंटमेंट था सर। आई सर्जन? ये आलिया को आंखों के हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत पड़ गई? सुविधा हॉस्पिटल चल के देखते हैं। हाँ रोहन, पता चल गया वो कंप्यूटर कहाँ है? फैंटास्टिक आर्ट कॉलेज। ओके ओके वेरी गुड, एसीपी साहब को बताना पड़ेगा। जिस कंप्यूटर के बारे में आप बात कर रहे थे वो यहाँ है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि ईरा ऐसा कुछ करेगी। ये रहा कंप्यूटर सर। ये है ईरा का कंप्यूटर? जी सर।
प्रिंसिपल साहब जैसा हमने कहा वैसा ही हुआ है। इंटरनेट के द्वारा इस कंप्यूटर से डॉल्स बेची जा रही हैं और उस डॉल्स की आंखें नकली नहीं बल्कि असली आंखें हैं, इंसान की आंखें, जिंदा इंसान की आंखें निकालकर उन डॉल्स में लगाई जा रही है। और जिस वेबसाइट से ये गुड़िया बेची जा रही है वो वेबसाइट हीरा के नाम पे है। ये अब इसका जवाब तो हीरा ही दे सकती है, मगर मैंने आपसे कहा ना वो मुंबई गई है। मान लिया कि वो मुंबई गई है, मगर उसका फोन क्यों बंद आ रहा है? ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए उसने फोन बंद रखा। सचिन चेक करो कंप्यूटर। सर एक बात बताइए। जी सर। पिछले कुछ दिनों में क्या हीरा का बिहेवियर कैसा था? मेरा मतलब है उसका बर्ताव कैसा था? कुछ अजीब सा था, ऑड बिहेवियर? जी हाँ सर, किसी बात को लेकर वो चिंता में थी। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी मगर मुझे कुछ बताया नहीं। सर आप ये देखिए, ये स्केचेस ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वो गुड़िया थी। सर देख लिया प्रिंसिपल साहब, अब करो तरफदारी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। ये स्केचेस देखिए डॉल्स के, देखिए उनकी आंखें बिल्कुल जिंदा इंसान की आंखों जैसी, बिल्कुल वैसी ही आंखें जैसे उस डॉल में मिली थी हमें। नहीं सर ये नहीं हो सकता, ये स्केचेस हीरा मैडम के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? सर क्योंकि वो कभी आंखें बनाती नहीं, उनके सारे स्केचेस और सारी मूर्तियां बिना आंखों की ही होती थी। क्या कहा? हीरा मैडम आंखें बनाती नहीं थी? सर उन्हें आंखें बनाने से डर लगता था, उन्हें एक अजीब तरह का फोबिया था, और वो हम लोग को भी आंखें बनाने से मना करती थी और खुद भी नहीं बनाती थी। क्यों प्रिंसिपल साहब, क्या कह रहे हैं ये स्टूडेंट? आप जरा आइए मेरे साथ प्लीज। चलिए ना प्लीज आइए आइए प्लीज। क्यों जी? मैं जी कहिए, आप में से पेशेंट कौन है? ये है क्या? मैं कोई मरीज वरीज नहीं हूँ। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और हम लोग यहाँ पे आलिया नाम की लड़की के बारे में पूछताछ करने आए जो आपके हॉस्पिटल में आई थी अपनी आंखों का इलाज कराने। कब आई थी सर? यही कोई 5 दिन पहले। एक मिनट जरा देखना तो कंप्यूटर पे कि आलिया नाम की कोई लड़की 5 दिन पहले यहाँ आई थी। एक मिनट। नहीं इस नाम की कोई लड़की नहीं आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान से देखिए वो लड़की यहाँ पे आई थी, पक्की इन्फॉर्मेशन है। जी एक मिनट। सॉरी सर इस नाम की कोई लड़की नहीं आई थी, अगर आती तो हमारे कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड जरूर होता सर। आप जरा ये फोटो देखिए, ये आलिया है, आप पहचानते हैं इसे? जी नहीं सर, मैंने इसे हॉस्पिटल में कभी नहीं देखा। सर क्या मैं ये फोटो देख सकती हूँ? हाँ जरूर देखिए। डॉक्टर अक्षत ये तो वही लड़की है ना जो शुक्रवार को शाम को डॉक्टर नैतिक से मिलने आई थी? हाँ हाँ ये वही है। आप लोग जानते हैं इसे? जी हाँ हम जानते हैं इसे, मगर बात क्या है? ये लड़की कुछ दिनों से गायब है और हमें शक है कि इसके गायब होने के पीछे डॉक्टर नैतिक का ही हाथ है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर नैतिक बहुत ही भले इंसान है, वो भला किसी को क्यों गायब करेंगे? वो कितना भला इंसान है हम लोग देख लेंगे, बुलाओ उन्हें। डॉक्टर नैतिक प्लीज जरा जल्दी बाहर आइए, सीआईडी वाले आए। हेलो ऑफिसर, आई एम डॉक्टर नैतिक। डॉक्टर नैतिक हाय हेलो होती रहेगी, पहले आप ये बताइए कि आलिया कहाँ है? आलिया? कौन आलिया? अच्छा अच्छा हाँ हाँ उस आलिया की बात कर रहे हैं आप। वेल ऑफिसर हाउ डू आई नो, मुझे क्या पता वो आलिया कहाँ है? पता नहीं कहने से काम नहीं चलेगा डॉक्टर, आलिया 5 दिन पहले आपसे मिलने आई थी और यहाँ रिकॉर्ड में उसका नाम भी नहीं है। एक्चुअली ऑफिसर वो मुझसे बिना अपॉइंटमेंट मिलने आई थी, हो सकता है इस वजह से उसका नाम रिकॉर्ड में ना हो। ऑफिसर मैंने उसे कुछ आंखों की दवाइयां दी थी जिसके उसे साइड इफेक्ट्स हो गए थे, इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलने आई थी। आंखों की दवाई दी थी या आंखें निकाल ली थी? व्हाट आर यू टॉकिंग ऑफिसर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम एन आई सर्जन, मैं आंखें निकालूंगा किसी की? देखिए हाँ काजू, आलिया का मोबाइल ट्रेस हो गया, कहाँ पे?
बांधवगढ़ के जंगल में। सर यही है वो फाइल सर जिसमें आपके सवालों का राज है। तो ईरा की आंखें न बनाने की फोबिया का राज इस फाइल में? जी 16 साल पहले ईरा इसी कॉलेज में पढ़ती थी, उस वक्त की सच्चाई छुपी है इस फाइल में। मतलब आप पिछले 16 सालों से ईरा को जानते हैं? जी मैं उसे 16 सालों से जानता हूँ, इसीलिए मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईरा जैसी नेक लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। ये फोटो देखिए सर, यही है वो आदमी जिसकी वजह से ईरा ने आंखें बनाना बंद कर दिया। ये प्रोफेसर सुदान है। प्रोफेसर सुदान एक बहुत ही टैलेंटेड मूर्तिकार, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट मूर्ति बनाने में किसी भी तरह की गलती कर ले तो वो बहुत ही उखड़ जाता था, एकदम पागल हो जाता था। गलती मतलब कैसी गलती? प्रोफेसर सुदान को इंसान की आंखों की खूबसूरती से बहुत लगाव था। वो यही चाहते थे कि मूर्ति की आंखों में उतनी ही जान हो जितनी कि इंसान की आंखों में होती है। मगर प्रिंसिपल साहब मूर्ति तो मूर्ति होती है, फिर उसकी आंखों में आप चाहे जितनी भी जान डालने की कोशिश करो वो तो बेजानी लगेंगी। अब यही बात प्रोफेसर सुदान समझने को तैयार ही नहीं। उनके सर पे तो बस एक ही जुनून सवार था, मूर्तियों की आंखों में जान डालने का जुनून। मगर प्रोफेसर सुदान के इस पागलपन से ईरा का क्या लेने दे? 13 नवंबर 1995 की बात है, एक लड़की थी जिससे एक मूर्ति की आंखें ठीक से बन नहीं रही थी। गुस्से में आकर प्रोफेसर ने उस लड़की की आंखें निकालने की कोशिश की, कहने लगा तेरी आंखें निकालकर उस मूर्ति में डाल देता हूँ। माय गॉड सर, लगता है इस प्रोफेसर सुदान की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। फिर क्या हुआ उस लड़की का? प्रोफेसर ने उसकी आंखें निकाली? वो उसकी आंखें निकालने ही वाला था, लेकिन एम वक्त पर ईरा ने आके उसे बचा दिया। इस हादसे के बाद हमने तो कॉलेज से प्रोफेसर को निकाल ही दिया, लेकिन ईरा पर गहरा सदमा पहुंचा। उसके दिल में आंखें बनाने का डर बैठ गया। तो कहीं ये डॉल्स और फिर जिंदा लोगों की आंखें निकालना, उनका खून करना और तो और उस वेबसाइट पर ईरा का नाम डालना, इन सब के पीछे इस प्रोफेसर सुदान का हाथ तो नहीं? अच्छा प्रोफेसर सुदान रहता कहाँ है, कुछ पता है आपको? जब से प्रोफेसर को कॉलेज से निकाला मुझे उसकी कोई खबर नहीं। एक और बात सर, जिस वक्त हमने कॉलेज से प्रोफेसर को निकाला उसी वक्त कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज छोड़ के चले गए। अच्छा प्रिंसिपल साहब आपको याद है कि जिस वक्त प्रोफेसर को निकाला कौन कौन स्टूडेंट छोड़ के गए थे और क्यों छोड़ के गए थे? एकदम भक्त थे उनके, कह रहे थे कि इतने टैलेंटेड प्रोफेसर को हम कॉलेज से नहीं निकाल सकते, खास करके उनका वो एक स्टूडेंट। कौन है ये प्रोफेसर सुदान का खास स्टूडेंट? यही वो जंगल है ना जहाँ पे आलिया का मोबाइल ट्रेस हुआ है? हाँ सर, मगर इतने खतरनाक जंगल में आलिया आई क्यों होगी? रात के 9:30 बजे घूमने तो आई नहीं होगी, कुछ हुआ है यहाँ पे, हो सकता है कोई आदमी उसे जबरदस्ती यहाँ लेके आया। तो मुझे लगता है कि जो आंखें हमें मिली है वो आलिया की है। अरे शुभ शुभ बोल, क्यों बेचारी लड़की की आंखें उसे छीन रहा है? सर मैं उसकी आंखें कहाँ छीन रहा हूँ, तो मुझे सही लगा मैंने वो कहा सर। क्यों बुरी बात मुँह से मत निकालना समझे? एक मिनट काम पे ध्यान दो, ध्यान से देखो आसपास कोई सबूत मिलता है क्या? एक मिनट जूता देखा? ये तो आदमी का जूता है और खून लगा हुआ है, ये तो उल्टा हो गया। ढूंढ रहे थे लड़की को पर यहाँ पे तो आदमी का जूता मिला है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आलिया ने अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी को ही मार दिया हो? सर अगर ये आदमी मर चुका है तो फिर वो आंखें किसकी है, इस आदमी की या आलिया की? फिलहाल अभी कुछ कहना मुश्किल है फ्रेडी, अभी तक तो हमें ना तो आलिया की लाश मिली है ना इस आदमी की। ये देखिए सर, यहाँ पे जमीन पे घसीटने के निशान है सर। अरे हाँ चलो जरा देखते हैं ये निशान कहाँ तक जाते हैं। निशान तो तालाब की तरफ जा रहे हैं। माय गॉड
निशान तो तालाब में चले गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाश तालाब में हो। एक काम करो, गोताखोरों को बुलवाओ। संभाल के आराम से वहां के उठा दो। वन टू थ्री चले आए आए, इस तरफ उस तरफ, ऐसे ऐसे सीधा सीधा। देखा सर आपने, विवेक की जुबान काले कौवे की जुबान है सर। खूनी ने ना सिर्फ आईना की आंखें निकाली बल्कि उसे मार भी दिया। एक काम करिए आप लोग, जरा अंदर जाके देखिए कुछ और मिलता है क्या। माय गॉड, एक और लाश। एक लाश ढूंढने आए थे, दो दो लाशें मिल गई। एक और लाश, कमाल है, लाशों पे लाशें मिलती जा रही हैं। पांच पांच लाशें, आलिया कोई नहीं, पांच पांच लोगों का खून किया उस खूनी ने। पहले उनकी आंखें निकाली, फिर इनका खून कर दिया। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा सर, सोच के ही तकलीफ होती। कितने तड़पे होंगे ये। खूनी ने पहले तो सबकी आंखें निकाल ली और बाद में मार के झील में फेंक दिया सर। खूनी का हौसला बहुत बढ़ता जा रहा है, खून करने के नए नए तरीके निकाल रहे हैं लोग। ये देखा, उन्होंने हथियार भी छोड़ दिया। यहाँ से वेबसाइट पे पांच लोगों ने ऑर्डर्स दिए थे और यहाँ पे भी पांच लाशें हैं सर। हाँ विवेक, तो लगता है जैसे जैसे लोग गुड़ियों का ऑर्डर देते जाएंगे, ये पागल खूनी उनका खून करता जाएगा। सर इस खूनी को जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए सर, नहीं तो ये तबाही मचा देगा। यहाँ पे हथियार और वहाँ पे खून से सना हुआ जूता क्यों छोड़ा सर, समझ में नहीं आ रहा। वही तो, काफी हौसले वाला है खूनी, जानबूझकर एक एक सुराग छोड़ता गया ताकि हम लोग इस लाश तक पहुंच सकें। वहां पे जूता और यहाँ पे खून करने का हथियार, इस हथियार से हमें जरूर कुछ पता चलेगा। लाशों को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। इस प्रोफेसर सुदान को अगर हीरा से बदला लेना था तो पहले भी ले सकता था। इस 16 साल बाद नींद से जाग के अचानक खून पे खून किया जा रहा है। डॉक्टर नैतिक, कहीं ये दूसरा दुश्मन डॉक्टर नैतिक तो नहीं है? हाँ सर, ये डॉक्टर नैतिक ने भी तो कॉलेज छोड़ दिया था ना, वो भी नहीं चाहता था कि प्रोफेसर सुदान को कॉलेज से निकाला जाए। हाँ वो तो बहुत बड़ा भक्त था ना डॉक्टर सुदान का। और एक बात हम भूल नहीं सकते हैं कि आलिया गायब होने से पहले डॉक्टर नैतिक से मिलने गई थी। इस सिरा को कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। ये जब मुंबई आई थी तो एयरपोर्ट से इसने टैक्सी वगैरह तो ली होगी ना, एयरपोर्ट पे पता करते हैं। डॉक्टर साहब पांच लाशें एक साथ मिली तो पांचों लाशों को एक साथ ही लाना पड़ा। यार लाशों का ढेर लगा दिया तुमने दया, ये बात तो ठीक नहीं। अब क्या करें, हम लोग भी इस धक्के से अभी तक उभर नहीं पाए। पांच लाशें एक साथ, कुछ पता चल सकता है उस चाकू से? इस चाकू से तो और भी ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। क्यों सालों साहब, खून तो इसी चाकू से हुआ ना जो उसकी गर्दन में छुपा हुआ था। हाँ तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? बस ये चाकू किसी पेंटर का चाकू है। किसी पेंटर का? हाँ है। इस चाकू पर खून तो लगा हुआ था ही, इस पर थोड़ा पेंट भी लगा हुआ था, ऐसा पेंट जो पेंटिंग बनाने के काम में आता है। इसका मतलब खून दो आदमी कर रहे हैं, एक पेंटर और दूसरा सर्जन। या फिर ये भी हो सकता सचिन कि कोई एक ही आदमी हो जो सर्जन भी है और एक पेंटर भी। सर ये डॉक्टर नैतिक भी तो उसी कॉलेज में पेंटिंग सीखने जाते थे ना जहाँ पे प्रोफेसर सुदान सिखाते हैं। मतलब नैतिक एक पेंटर भी है और सर्जन भी। सर ये भी हो सकता है कि ये काम किसी ऐसे आदमी का है जो ये चाहता है कि सारे सबूत डॉक्टर नैतिक की तरफ इशारा करें ताकि वो फंस जाए। हाँ
ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जो डॉक्टर नैतिक का दुश्मन हो। और सर, डॉक्टर नैतिक के दुश्मनों में सबसे पहला नाम ईरा का है। ईरा ही कर रही होगी। उसका आईपी एड्रेस भी तो मिला था हमें उस वेबसाइट से, www.uniquedollhouse.com से। ईरा हो या नैतिक या फिर सुदान, इनमें से जिसने भी ये किया है बहुत ही घिनौना काम किया है। पांच पांच लोगों की आंखें निकाल ली, इनके दिल से जरा सी भी आवाज नहीं आई कि ऐसा मत कर, ये लोग जिंदा है जिंदा। एक बार हमें ये पता चल जाए कि बाकी के चार लाशें किसकी है तो खूनी को ढूंढने में आसानी होगी। और सर, अब तक हमें ये पता चला है कि वो हरे रंग की आंखें आलिया की ही है, और ये चारों लोगों की आंखें भी ठीक उसी तरह से निकाली है जैसे आलिया की, बड़ी सफाई से। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई चीज है इन सब लाशों में, किसी तरह की कोई चोट या फिर कुछ और? एक चीज है शायद जो इन लोगों की आंखें निकालने से भी ज्यादा भयानक है। जिंदा लोगों की आंखें निकालने से और ज्यादा भयानक क्या हो सकता है सर? ऐप रेडी है तारिका। ये देखिए, कैक्टस, गोल्डन बैरल कैक्टस। और ये कैक्टस पूरा का पूरा अपने कांटों के समेत हमें इन सभी के गले में मिला। लाशों के गले में ये कैक्टस था? जी हाँ, और इन कैक्टस के वजह से ये सबकी वोकल कॉर्ड्स यानी बात करने की नसें पूरी तरह से फट चुकी थी। इसका मतलब ये कैक्टस इनके गले में इसलिए डाले गए ताकि जब इनकी आंखें निकाली जाएं तो चीख ना सके। एग्जैक्टली। एक बार ये खूनी हाथ लग जाए वो हाल करूंगा कि अपने पैदा होने पे अफसोस करेगा वो। तो हाँ काजल, इन बाकी चार लोगों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, ये लोग भी आलिया की तरह मॉडल्स थे। ओह, मतलब ये खूनी सिर्फ मॉडल्स को ही अपना निशाना बना रहा है? नहीं सर, मॉडल्स ही नहीं बल्कि ऐसे मॉडल्स जिनका डॉक्टर नैतिक के साथ कुछ ना कुछ लेना देना है। मगर इन मॉडल्स का डॉक्टर नैतिक के साथ क्या लेना देना है? सिर्फ पांचों पिछले एक महीने में उसी हॉस्पिटल में देखे गए थे जहाँ पर डॉक्टर नैतिक काम करते हैं, हॉस्पिटल सुविधा में। ये बात है। हेलो, हाँ कहाँ पे? अच्छा ठीक है। क्या हुआ काजल? सर एयरपोर्ट से फोन था, ईरा एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर किसी संस्कृति आर्ट गैलरी गई थी। संस्कृति आर्ट गैलरी? Excuse me. Yes. Hello. क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? जरा इस फोटो को गौर से देखिए। क्या ये औरत 3 दिन पहले आपके गैलरी में आई थी? एयरपोर्ट से आई थी टैक्सी लेकर। कि मैं नहीं इसे जानती, ईरा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने तो ईरा का नाम भी नहीं लिया। क्यों, जानती है ना आप ईरा को? जानती है या नहीं? क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग इसे? देखिए मैडम, हम लोग CID से। CID? जी हाँ, ईरा जब से मुंबई आई है गायब है, उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर है कहाँ वो? देखिए मैं वाकई नहीं जानती कि ईरा कहाँ है। वो तो यहाँ पर सिर्फ प्रोफेसर सुदान का पता पूछने आई थी। एक मिनट, क्या कहा आपने? ईरा प्रोफेसर सुदान का एड्रेस पूछने आई थी? जी। क्या आपके पास प्रोफेसर का एड्रेस है? नहीं, एक्चुअल में हमारी गैलरी कुछ समय पहले उनकी मूर्तियाँ यहाँ सजाती थी, इसलिए उसे लगा कि उनका पता उसे यहीं मिलेगा। ढूंढ क्यों रही है वो प्रोफेसर सुदान को? उसे लगता है कि प्रोफेसर सुदान उसकी जान के पीछे पड़ा है। यहाँ से कहाँ गई वो, कुछ मालूम है आपको? देखिए ये तो नहीं बताया उसने, लेकिन उसे लगता है कि प्रोफेसर सुदान के अलावा भी एक और आदमी है जो शायद उसकी जान के पीछे पड़ा है। ये दूसरा आदमी कौन है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने उसे फोन किया था और उसे धमकी भी दी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो शायद अंजाम बुरा होगा। तो क्या वो आदमी आया था यहाँ पर ईरा से मिलने? जी, और उन दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। वो आदमी बोल रहा था कि अगर प्रोफेसर सुदान बदला लेना ही चाहते तो 16 साल पहले ले लेते, अब क्यों लेंगे? फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, वो शायद एक डॉक्टर थे, उन्हें फोन आया और जाना पड़ा उन्हें शायद किसी पेशेंट को देखने के लिए। ध्यान से देखिए, कहीं वो डॉक्टर ये तो नहीं था? जी जी यही है वो। डॉक्टर नैतिक। हेलो जी, हाउ आर यू जी? मैं ठीक हूँ, क्या
मैंने पहले भी आप लोगों को कहीं देखा है? माँ बाबा देखा होगा, हमें तो बहुत लोगों ने देखा है। हॉस्पिटल में धूप निकली हुई है। अरे कैसी मजाक कर रही है, हॉस्पिटल में कभी धूप निकल के आती है क्या? तुमने देखा है कभी बच्चों? नहीं पापा। तो फिर इन दोनों ने काला चश्मा क्यों पहन रखा है? हमको वो हुआ था वो वो उसे क्या क्या सोचा था हमने? हमने कहा सोचा था? नहीं पहले तो नहीं सोचा था, अभी सोचा तो अभी सोचने पे ये हमें पता चला है कि हमारी आंखों में वो कोलाइटिस हो गया। हाँ क्या? नहीं रिवाइटिस, जो आँख का होता है ना आइटिस, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस हो गया है? नहीं कैटरेक्ट हुआ था। एक बात बताओ, इन दोनों को एक साथ कैसे हो गया कंजक्टिवाइटिस? बात ये ना कि ये दोनों जुड़वा भाई है, एक ही साथ पैदा हुए, फिर एक ही साथ स्कूल में भी गए, एक ही कॉलेज में पढ़े, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ एक साथ, तो कंजक्टिवाइटिस भी एक साथ। कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल ठीक जगह पर आ गए हैं। हमारे हॉस्पिटल में एक से अच्छे एक आंखों के सर्जन हैं। इन दोनों की आंखें भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू वो जो है ना, वो जो अच्छे वाले डॉक्टर, वो डॉक्टर नैतिक, जो आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर है। आपको डॉक्टर नैतिक से इलाज कराना है? जी हाँ, सुना बहुत अच्छे डॉक्टर है वो, अभी अंदर। वो इस वक्त यहाँ नहीं है। क्या वो घर आ सकते हैं बच्चों की आंखें देखने के लिए? अब कैसी बात करते हैं, वो आंखों के सर्जन है, वो आप लोगों को देखने इस तरह घर नहीं आ सकते। अरे हम उनको देखने यहाँ हॉस्पिटल में आ सकते हैं, वो हमें देखने घर नहीं आ सकते। गलत बात है ना पापा? नहीं पापा, हम इलाज डॉक्टर नैतिक से कराएंगे, अपॉइंटमेंट लेके आएंगे फिर से। अच्छा अब हम अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। हाँ बस शाम को 5 और 7 के बीच में बताइएगा। क्यों? नहीं उस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं रहते। 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है क्या? नहीं ड्यूटी तो रात को 9 बजे तक रहती है, पर रोज शाम को वो 2 घंटे कहीं बाहर जाते हैं 5 और 7 के बीच। 5 और 7 के बीच यहाँ नहीं होते हैं। ठीक है 5 और 7 अंकल से बोलना आके गया। चलो अभी। सर हम लोग डॉक्टर नैतिक का पीछा करके यहाँ पहुँचे हैं, अब आधा घंटा हो गया उसे अंदर जा गया, लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। सर हमें नैतिक को उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए था जिस वक्त वो घर के अंदर जा रहा था, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये सारे खून इसी ने किए हैं। हाँ काजल, लेकिन हमने नैतिक को इसलिए नहीं पकड़ा है क्योंकि हमें उसे सबूत के साथ पकड़ना है। 5 बजने वाला है सर, नैतिक के बाहर आने का टाइम हो गया। सर वो देखिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। कुछ फेंका है उसमें, लाल रंग था उस पर। सर खून खून किया है कि नहीं? चलो अंदर चलते हैं। अचानक इस गेट से बाहर निकला, पता नहीं किस बंगले में गया होगा। अरे वॉचमैन, क्या हुआ साहब? वो आदमी जो अभी भी यहाँ से बाहर गया वो किस बंगले में गया था आपको कुछ मालूम है? वो आखिरी वाला बंगला ना, वहां पे गया था वो। थैंक्स। दरवाजा खुला है, इसका मतलब समझते हो निखिल? हाँ सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्या? सर सभी तरफ अच्छे अच्छे पेंटिंग्स लगी हुई हैं। लगता है ये किसी आर्टिस्ट का घर है। सुधान, सुधान ये क्या हुआ है तुम्हें? कहाँ थे तुम? कौन है आप लोग और आप लोग अंदर कैसे आए? देखिए हम लोग CID से। CID? आप कौन? सर मैं इनकी नर्स हूँ, मैं इनकी देखभाल करती हूँ। आप पूरे दिन यहीं पे रहती हैं? जी सर, मैं सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक यहीं रहती हूँ। ये रही वो दवाइयाँ जो
हो डॉक्टर नैतिक, आइए आइए। आप लोग यहाँ? आपसे मिलने आए। क्यों? हमने देखा आपको यहाँ से निकल के गाड़ी में बैठ के जाते हुए। तो तुम्हारे हाथ में खून लगा हुआ था। खून? हाँ खून। वहाँ दिखाइए अपना, दिखाइए। किसका खून है? ईरा का? अच्छा अच्छा, इस खून की बात कर रहे हैं आप? एसीपी साहब, वो ये देखिए, ये देखिए, सुदान सर के हाथ में चोट लग गई थी, तो इनके हाथ की ड्रेसिंग करते वक्त इनके हाथ का खून मेरे हाथ पर लग गया। बहुत हो गया नाटक, सच सच बता, ये खून तुमने किया है ना? खून? नैतिक नाम है ना तुम्हारा? नैतिकता का मतलब होता है ईमानदारी। नाम नैतिक है सर, पर काम सारे अनैतिक करते हैं ये। वैसे तो ये आई सर्जन है, मैं लोगों की आंखें निकाल लेते हैं फिर उनका खून कर देते हैं। क्यों? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? मैंने किसी की आंख नहीं निकाली, ना ही किसी का खून किया है मैंने। मैं तो रोज यहाँ 2 घंटे पीठ की देखभाल करने के लिए आता हूँ। पैरालिसिस हो गया है ना इन्हें, बेचारे बोल भी नहीं पाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके इशारों पर तुम ये सब खून कर रहे हो? अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? सुधान सर एक आर्टिस्ट है, खून ही नहीं। मुझे तो लगता है कि ये खून कोई ऐसा इंसान कर रहा है जो मुझे और सुधान सर को बदनाम करना चाहता है। फिर तुमने ईरा से झूठ क्यों बोला कि तुम्हें मालूम नहीं कि सुधान कहाँ है? डर गया था मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ईरा आकर सुधान सर से वो सारी बातें करे, वो सारे सवाल करे जो सुधान सर भुला देना चाहते हैं। घर की तलाशी लो, एक एक कोना छान मारो इस घर का। क्या छान मारो सर? सर देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। Yes. कौन खेलता है चेस? सुधान और आप? कॉफी? कौन पीता है कॉफी? तुम पीती हो? नहीं सर, मैं कॉफी नहीं पीती। तो क्या फिर सुधान और आप पीते हैं कॉफी? देखिए एसीपी साहब, मैंने आपसे कहा ना मैं यहाँ पर रोज सिर्फ 2 घंटे के लिए आता हूँ। 2 घंटे में बहुत कुछ होता है डॉक्टर नैतिक। सर इनके अलावा और भी कोई आता होगा यहाँ पर? हाँ आता ही होगा। हाँ ये देखिए सर, ये कैक्टस की पेंटिंग अंदर कमरे में दीवार पे टंगी हुई थी। एसीपी साहब, ये कैक्टस की पेंटिंग तो कई दिनों से उसी दीवार पर टंगी है। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है, लगता है कैक्टस का असली पौधा देखकर ये पेंटिंग बनाई है। है कोई कैक्टस का पौधा आसपास? सर एक मिनट आप चुप रहिए, बोलने दीजिए। सर कैक्टस का पौधा तो आउट हाउस के बाहर है। कैक्टस का पौधा आउट हाउस के पास है? दया डॉक्टर नैतिक, आप भी आना चाहेंगे? चलिए चलिए। अब तुम्हारी आंखें निकालने का वक्त आ गया है। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, अब ये मेरी हो जाएंगी। और अक्षत, तुम क्या कर रहे हो अक्षत? देखो मेरी बात मानो, छोड़ दो ईरा को। ये आगे मत बनना, मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। मैं इसकी आंखें निकाल दूंगा। हाथ में लगाओ से, छोड़। आगे मत बनना अक्षत, पागलपन छोड़ो और हमारी बात मानो। अब तक तुमने बहुत सारे लोगों की आंखें निकाली है, 4 लोगों का खून भी किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अक्षत, देख लिया ना। तुम लोग सब ऐसे नहीं मानोगे, अभी बताता हूं मैं। मैं तेरी आंखें निकालूंगा, मैं तुम तु, 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 सबकी आंखें निकाल दूंगा। मैं हम सबकी आंखें निकालेगा तुम? हाँ शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक डॉक्टर हो, आंखों के डॉक्टर। तुम्हारा काम है लोगों को आंखों की रोशनी देना, उनकी आंखें छीनना नहीं। जब बदले की आंख लगती है तो कुछ नहीं दिखाई देता।
इसलिए तुमने लोगों की आंखें निकालना शुरू कर दिया ताकि डॉक्टर नैतिक फंस जाए। इसका नाम भी मत लो मेरे सामने, नफरत करता हूँ मैं इसके नाम से। मगर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो तुम्हें हमेशा अपना दोस्त समझता था। अरे कैसा दोस्त है तू, अभी से मुझसे आगे रहना चाहता था तू, कॉलेज में हॉस्पिटल में तुझसे बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ मैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले तेरा ही प्रमोशन करना चाहते थे, मेरा नहीं। तो एक मामूली से प्रमोशन के लिए तुमने लोगों का खून करना शुरू कर दिया? एक बार भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे इस जलन की कीमत कितने लोगों को जिंदगी दे के चुकानी पड़ रही है? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ नैतिक की बर्बादी दिखाई दे रही थी। मैंने इसके अतीत का फायदा उठाया, हीरा के साथ इसकी दुश्मनी का और प्रोफेसर सुदन के साथ इसकी नजदीकियों का। बहुत पाप किए हैं तुमने, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, अदालत शायद फांसी देगी तुम्हें, फांसी। सर, अक्षत को तो फांसी हो जाएगी मगर पूर्वी का क्या होगा? पूर्वी का क्या होगा वो तो एसीपी साहब ही तय करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।